కవితక్క గారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గించలేరు भाई बीजेपी का एक ही आवाज है, देश में नहीं बल्कि राष्ट्रों में भी उनका सरकार किसी तरह का भी किसी तरीके से भी बनना चाहिए, यही मुद्दा उन लोगों ने सामने रखते हुए अपनी राजनीति चला ले रहे। मैं आईटी, ईडी, सीबीआई से गुजारिश करता हूँ, जब लिकर स्कैम हुआ आप प्राइमा फेसी इंक्वायरी 3 महीने करें, 3 महीने करने के बाद यहाँ पर कल्प्रिट कौन है, मैं मुद्दा ही कौन है और एविडेंस कौन है बोल के आप निर्धारण करे हुए। कविता अक्का को आपने जो है ना एविडेंस के लिए लिए, एविडेंस दिए सो वालों को एविडेंस में बुला के तुम कल्प्रिट कैसा बना सकते ये मुझे बोलो। ये सामान्य जनता आपसे विनती कर रही है, आपसे पूछ रही, तो आप इसका जवाब देना पड़ता। मैं जितने भी एजेंसी से इस जनता को जवाब दीजिए, ये सरासर ये जो है ना एक झूठी हुई एक षड्यंत्र है। ये जो है ना कविता गार ने उनको जेल में डाल के केसीआर के मनोबल कम करने के लिए जो उन लोगों ने कदम उठाया उन लोग सफल नहीं होते। आने वाले दिनों में कविता जी और केसीआर जी और फलभूत होते, आने वाले दिनों में अपना राजनीति और तेज करेंगे, जनता को प्रभावित करेंगे। आने वाले दिनों में बीजेपी जो एक कड़ी चुनौती हम जाएंगे और जनता के साथ हम रहेंगे, ऐसा मैं आश्वासन करता हूँ। ये जो ब्रेव लेडी बोल के आप बैनर लगाए, ब्रेव लेडी, शी इज अ ब्रेव लेडी। जो आप एज देखिए, यहाँ पर कुछ मर्डर हुआ करे सो वो उसमें क्या करते, इंक्वायरी करने का पंचनामा करके सब करके कौन करे उसका एक उनके नामा लिखते, और जो देखे सो वाला सुने सो वालों का उनका नामा लिखते। अब कविता का को ये लिकर स्कैम में एविडेंस में रखे उनको एविडेंस।